नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत ही शॉर्ट बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं ऋषिकेश में। क्या ये एक सिर्फ धार्मिक स्थान है, क्या ये एक सिर्फ एडवेंचर स्पॉट है? वैसे बता दूं, ऋषिकेश को इंडिया का एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है, या फिर ऋषिकेश धार्मिक वाइब्स और एडवेंचर दोनों को एक्सपीरियंस करने का परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहुँचते हैं, तो ऋषिकेश को अच्छे से और नज़दीक से एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ आप टू व्हीलर को रेंट में ले सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता और उचित माध्यम है ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने का। टू व्हीलर का रेंट शुरू हो जाता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से। यहाँ आप बाइक्स भी ले सकते हैं जिसके चार्जेस अलग हैं। तो अब अपने चॉइस के हिसाब से गाड़ी चूज करें ताकि आप इस सुंदर नगरी को एक्सप्लोर कर सके बिना किसी रुकावट और दिक्कत के। तो दोस्तों, ऋषिकेश में लोग आते हैं मुख्यतः दो कारणों से, एक तो एडवेंचर के लिए और दूसरा यहाँ मौजूद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों को देखने के लिए। तो दोस्तों, ऋषिकेश आने का मेन अट्रैक्शन होता है यहाँ पर होने वाले एडवेंचर एक्टिविटीज, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, जो कि आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे होंगे, ट्रैकिंग होती है यहाँ पर, कैंपिंग होती है, ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है जैसे बंजी जंपिंग। तो इन एक्टिविटीज़ के बारे में आप यहाँ आने से पहले ऑनलाइन एक बार चेक कर लें, इनके चार्जेस आप उसके वहाँ पर एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लें, और अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हैं, और यहाँ ऋषिकेश आने के बाद भी आप मतलब यहाँ ऑफलाइन उसको बुक कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी थ्रिलिंग होती है। तो यहाँ आने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही होता है जो लोग यहाँ पर आकर करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा नदी का जो यहाँ का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, और जो करंट्स है वो बहुत तेज़ है, जो कि इस तरह के रिवर राफ्टिंग्स के लिए काफ़ी फेवरेबल मानी जाती हैं। और अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। और ये आप देखिए, यहाँ का जो पानी है वो पानी बिल्कुल साफ़ है। यहाँ गंगा जो है बहुत ही पवित्र और बहुत ही साफ रूप में बहती हैं, और देखिए एकदम पानी एकदम बिल्कुल साफ है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक टोली है जो कि राफ्टिंग कर रही है, और आप समझ सकते हैं कि इनको कितना मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए, काफ़ी मज़ेदार सी लग रहा है ये। ये देखिए, और जब देखिए ये जो बोट है वो बोट भी कितनी तेज़ी में जा रहा है, और ये लोग काफ़ी बेहतर तरीके से इसको कर पा रहे हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ देखिए एक सोलो हैं, वो अकेले आ रहे हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद व्यक्ति हैं तो यहाँ आप सभी एक्सट्रीम एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, जाइंट स्विंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, हॉट एयर बलूनिंग, क्लिफ जंपिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वाटरफॉल रैपलिंग आदि। पर दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी जेब काफ़ी ढीली करनी पड़ेगी। आप इनमें से सेलेक्टिव एक्टिविटीज़ को चूज कर अपने थ्रिल एक्सपीरियंस को अपने बजट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऋषिकेश अपने धार्मिक महत्व के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश में कई रोप सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, जैसे लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु आदि, जो कि गंगा नदी के ऊपर बने हुए हैं। आप इन्हें बाय वॉक जरूर क्रॉस करें, क्योंकि यह एक वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। दोस्तों, लक्ष्मण झूला के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इसी जगह से गंगा नदी क्रॉस किया था श्री राम और सीता माता के साथ अपने वनवास के दौरान। दोस्तों, इसके साथ ही आप त्रिवेणी घाट में गंगा आरती को भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि यहां का एक प्रमुख आकर्षण है। तो दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आते हैं और बाबा नीलकंठ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका जो ऋषिकेश का सफ़र है वो अधूरा रह जाएगा। तो आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप बाबा नीलकंठ के मंदिर में ज़रूर आएँ और यहाँ पर बाबा के दर्शन ज़रूर करें।
जो ऋषिकेश से बाबा का जो मंदिर है वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर है और इसको कवर करने में आपको लगभग एक घंटा लगता है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो आपको जो टाइम है, जो जर्नी टाइम है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं आपको बाबा के दर्शन भी करवा पाऊँ। फ्रेंड्स, ये है मंदिर का बाहर का दर्शन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी स्क्रीन पे। ये मंदिर के बाहर का व्यू है और हम अब मंदिर के अंदर जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कैमरा को थ्रू आउट ऑन रखने के लिए। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पाएंगे बाबा नीलकंठ का मंदिर है और वहाँ अंदर कैमरा यूज़ करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर कैमरा यूज़ नहीं कर पाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मंदिर है और वहीं पर सारे प्रसाद और जल चढ़ते हैं। सामने आप नंदी को देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, बाबा नीलकंठ मंदिर का जो इतिहास है, जो स्टोरी है, मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। इस मंदिर का इतिहास उस समय से जुड़ता है जब सागर मंथन हो रहा था और उस सागर मंथन के दौरान जो विष निकला था, उस विष को हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था। तो ये मंदिर एग्जैक्टली उसी जगह पर है जहां भगवान शिव ने वो पूरा विष ग्रहण किया था, उस विष को पिया था। तो इस मंदिर की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो अपने विजिट के लिस्ट में इस मंदिर को ज़रूर रखें। हालाँकि थोड़ा समय लगता है आने में, पर यहाँ आने पर आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। इनके अलावा आप 13 मंजिल टेम्पल, गीता भवन, परमार्थ निकेतन आश्रम, वशिष्ठ गुफा, बीटस आश्रम आदि जगहों को विजिट कर आप अध्यात्म की अनुभूति कर सकते हैं। इनमें से बीटस आश्रम थोड़ा अनूठा और इंटरेस्टिंग आश्रम है। बीटस आश्रम, जिसे 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, इस आश्रम को व्यापक प्रचार मिला जब 1980 के दशक में लिवरपूल के म्यूजिकल बैंड बीटस ने यहाँ रुकने का निर्णय किया। इस आश्रम में बहुत सारे मेमोरीज और आर्टिफैक्ट्स हैं जो भारत में उनके समय और महर्षि महेश योगी के साथ उनके इंटरेक्शन के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों, ऋषिकेश में स्टे करना आपके बजट और चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ होटल रूम 500 रुपये पर नाइट से शुरू हो जाता है और 5000 रुपये पर नाइट से ऊपर तक जाता है। तो आप अपने ट्रैवल बजट और लोकेशन प्रेफरेंसेस के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी राय, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखें। बाय बाय।